कहता है वोटर की टीम पहुंची है डिंडोरी जिले के शहपुरा विधानसभा सीट पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नेशनल फॉसिल पार्क यहां पर बना हुआ है। अपने आप में मशहूर ये पार्क आज अपनी दुर्दशा को रो रहा है, लेकिन क्या शहपुरा में विकास नई गाथा लिख रहा है? क्या पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर शहपुरा में विकास के कार्य हुए हैं? क्या कहती है शहपुरा की जनता, इस पर जानेंगे यहाँ की जनता का मिजाज और पूछेंगे जिम्मेदारों से सवाल जिनके जिम्मे हैं शहपुरा के विकास की जिम्मेदारी। रोड भी नहीं बना है, कच्चा रोड है। जब गर्भवती महिलाएं जाते हैं तो उधर से हम एक दो किलोमीटर पक्की रोड तक लाते हैं, और महिला तो नहीं आ सकें, गर्भवती महिला आ सकेगी? और अगर हेडपम्प बिगड़ जाते हैं तो हम कुआं के पानी पीते हैं, बंधान के पीते हैं, तो बीमार आदमी पड़ जाता है। 10-15 दिन तक पानी नहीं आता है, मतलब कई मतलब जैसे गाय गोरु हैं तो उनको समस्या होती है पानी की। मतलब पानी तो है, मतलब देते हैं पानी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बोर खराब हो जाता है तो 10-15 दिन पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। पहले जो डॉक्टर थे आज के 20 साल पहले, वो यहाँ अब नहीं है। अब जो है जो भी आते हैं वो राजनीति में संलिप्त रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। सब चिकित्सा जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। हमारे यहाँ मकान की बहुत ज़्यादा समस्या है, प्रधानमंत्री आवास का कुछ बना है और ये मान के कोई कम से कम 200 से ऊपर करीबन मकान की सूची बता रहे थे, वो अभी वो लापता है सूची। नौकरी के लिए क्या, BSc के बाद BEd करेंगे तो BEd करने के लिए भी यहाँ कोई वो नहीं है, उसके लिए जबलपुर डिंडोरी जाना पड़ता है। अब तो पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अब का बताई, सब तो मिल रहा है, हाँ राशन मिल रहा है, चावल। यहाँ ना उद्योग है ना कोई कारखाने हैं, तो यहाँ कहाँ का सब बेरोजगारी का आलम है। आने जाने वालों को दिक्कत होती है, बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इस कारण हम यही चाहते हैं कि पक्की रोड बन जाए, सुविधा हो जाए जनता को, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। रोजगार कोई साधन नहीं, बाहर जाना पड़ता है। बिजली तो है, पानी की समस्या भी है, नहीं है पानी है, पानी की समस्या नहीं है, पानी है हमारे यहाँ, बिजली भी है, लेकिन विकास की ये मान के चलो मात्रा में नहीं है विकास हमारे यहाँ। विकास तो खैर थोड़ा बहुत हुआ है, विकास जो है इतना विशेष कुछ है यहाँ हुआ नहीं। यहाँ जो है बेरोजगारी का आलम है, सारे पढ़े लिखे लड़के जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, और जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं उनको यहाँ से पलायन करना पड़ता है, काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। कहता है वोटर की टीम पहुंची है शहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर क्या है जनता से जुड़े मुद्दे, इस पर चर्चा करने के लिए मैं जिम्मेदारों के पास जाऊं। उससे पहले मैं यहाँ पर आम किसानों से पूछूंगा, आप किसान वर्ग से आते हैं, किसानों के लिए क्या योजनाएं लाई गई, कितना फायदा मिल रहा है? BJP और कांग्रेस एक के बाद एक रहे सत्ता में, कितना फायदा किसानों का हो रहा है यहाँ पर? दोनों सरकार सोई हुई है, यहाँ क्षेत्र में भारी जल की संकट है, हमारे 20-21 गांव में पानी की समस्या है, पानी वहाँ पर निकल ही नहीं रहा है, बोर करते हैं बोर से भी पानी नहीं निकल पा रही है, तो हमने एक ड्राइंग बना के भी दिया है कि बांध से पानी उसको सप्लाई किया जाए, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा बोले, और विद्युत की भी समस्या है कि यहाँ सरकार एक और आज़ादी की 75 वर्ष मना रही है और वहाँ देखेंगे कि ग्रामों में लाइट ही नहीं है, विद्युत ही नहीं पहुँची है, अभी भी 75 साल से अंधेरे में सोए हुए। आज़ादी का अमृत काल मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पानी के लिए अभी भी किसान परेशान है, बिजली एक बड़ा मुद्दा है, अभी भी आलम है कि कई गाँव तक बिजली नहीं पहुँच पाई है, फीडर सेपरेशन के नाम पर करोड़ों रुपए बिजली के क्षेत्र में खर्च किए गए, इसके अलावा सिंचाई और पानी की समस्या जो है शहपुरा विधानसभा में है, यहाँ पर भी हम लोगों से जानेंगे। लेकिन हमारे साथ जो मौजूदा विधायक हैं भूपेंद्र मरावी, हम उनसे पहले सवाल कर लें। सर 5 साल 15 महीने आपकी सरकार, 5 साल आपका कार्यकाल, क्या लगता है आपको कि कितना रिजल्ट आप दे पाए इस विधानसभा को? निश्चित ही मैं पकड़ लूँ,
जी थी शहपुरा विधानसभा में 4.5 साल कभी कार्यकाल हुआ है और 1.5 साल लगभग हमारी सरकार थी। आप लोग भी जानते हैं कि हमारी सरकार किस तरीके से गिरी। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तो हम लोगों से जो भी प्रयास रहता था वही 4-5 प्रयास गिनवा दीजिए ताकि जनता को पता चल जाए। उसमें हम लोगों ने सड़कों में काफी अच्छा काम, हमारे पास वहाँ रिकॉर्ड भी रखे हुए हैं, पानी को लेके भी कई बार हम लोगों ने शासन प्रशासन को भी चिट्ठी लिखी। जल जीवन हमारा क्षेत्र वास्तव में पानी की बड़ी चुनौती है, बहुत से गांव ऐसे हैं क्योंकि यहाँ का जो जल स्तर एकदम नीचे जाते जा रहा है। तो हम लोग उस समय जब हमारी सरकार थी तो माननीय कमलनाथ जी से हम लोगों का प्रयास था सत जल योजना, जो मेरे पास रिकॉर्ड है 531 गांव के लिए, वो लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से 531 गांव में कैसे नर्मदा जी का पानी, बिलगड़ा का पानी पहुंचे। उसमें टेंडर भी दो बार जो जानकारी थी प्रशासन की, टेंडर भी लग चुके थे पर सरकार, आप समझ रहे जब सरकार थी तो वो चीज़ें भी कैंसिल हुआ। तो लगातार पानी पे, सड़कों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने 4.5 साल में, 2 साल तो कोरोना में निकल गए आप लोग भी जानते हैं। शिक्षा के लिए क्या काम? शिक्षा के लिए ITI में जब फर्स्ट MLA बना तो यहाँ का कॉलेज गया, ITI कॉलेज, तो वहाँ पे मैं बच्चों देखा कि बड़ा खंडर सा था, बच्चों के साथ बैठ के मैंने संवाद किया। जब हमारे मंत्री थे यहाँ के, आदर्श कॉलेज की तो शक्ल देखी हमने, वो कहीं से आदर्श नजर तो आता नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे भी हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एक छात्रावास भवन बने, ITI कॉलेज गया था, वहाँ तो जा नहीं पाया था, पर वहाँ बच्चों की मांग थी कि भैया छात्रावास भवन बने, वो हमारी पेंडिंग में है। फिर ITI जो बना हुआ है बिल्डिंग, तो बच्चों से संवाद किया, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री उस समय गृह मंत्री जी बाला बच्चन जी थे, माननीय कमलनाथ जी को भी चिट्ठी लिखी, तो वो शानदार बना। आप मेहनवानी गए होंगे, वहाँ भी कॉलेज का निर्माण हुआ, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। खुद इसकी जो प्रभारी मंत्री है मोहन यादव जी, उन्होंने खुद तारीफ करके बिल्डिंग यहाँ की बहुत अच्छी बनी है, उप तहसील भवन, काफ़ी गाँव में छात्रावास भवन वगैरह बन रहे हैं, हायर सेकेंडरी की बिल्डिंगें बन रही है। जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड जो हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे जो ऊपर से होते कि हमने 4.5 साल में क्या क्या किया, क्योंकि हमें चुनाव में जब जाना है तो जनता के बीच में काम के मुद्दे पे जाना। और जो हमारी विधायक निधि है, विधायक निधि का हमारे गांव जैसे पानी में बड़ी समस्या होती है, तो हमारा प्रयास था 200 सुपर पंचायत है हर गांव में लगभग कोशिश करें पानी का टिंकर, यात्री प्रेक्षालय, रंगमंच ये तो करें। स्वास्थ्य जब कोरोना काल था हर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस वगैरह दिए, सौ वाहन दिए। हमारे BJP के पूर्व विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, चैन सिंह जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। इससे पहले तो आप भी विधायक रहे हैं, BJP की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, डबल इंजन की सरकार रही है, लेकिन उतना असर तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। एक और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रारूप तैयार हुआ था कि नर्मदा के जल का 100% इस्तेमाल करना है, तो क्यों लिफ्ट करके नर्मदा का पानी शेखपुरा की विधानसभा में नहीं पहुँच पा रहा? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न है पानी के को लेकर के, मुझे भी जो है 2003 से 8 के बीच में इस विधानसभा में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे कार्यकाल में डिंडौरी और मंडला जिले की सबसे बड़ी परियोजना बिलगड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना, वो उन्होंने उस परियोजना को हमने पूरा करवाया। और आज जो शहपुरा में पानी जो पहुंच रहा है उस बिलगांव बांध से पहुंच रहा है, उसको भी हम लोगों ने कराया, हमारी सरकार ने कराया। जहां तक हमारे किसान मित्र जो किसान हमारे संघ के जो अध्यक्ष आदरणीय बिहारी लाल जी साहू, उन्होंने 21 गांव का जिक्र किया है, मैं आपके माध्यम से शहपुरा क्षेत्र की जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, जैसा माननीय हमारे विधायक जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से उनका भी योगदान है। एक मुख्यमंत्री सतही नल जल योजना जब हम विधायक थे उसी समय ये प्रस्तावित हुआ था और ये अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। शायद माननीय हमारे विधायक जी को शायद थोड़ा नॉलेज ना हो, अभी ये जो है ये पूरा प्रकरण जो अभी कैबिनेट से गुजरेगा। अच्छा। कैबिनेट से गुजरने के बाद जो है वो फिर टेंडर में जाएगा। सतही जल निश्चित रूप से ये जो है, लेकिन 2024 तक, तो 2024 तक नर्मदा जल के 100% इस्तेमाल की बात तो पूरी हो जाने दीजिए आप। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप ही बता रहे हो कि टेंडर की प्रक्रिया में अभी गुजरेगा कैबिनेट, मेरी बात तो पूरी हो जाए ना। जो ये हमारा मुख्यमंत्री सतही नल जल योजना है, इस योजना के माध्यम से हमारे 321 गांव, हमारे शहपुरा के सभी गांव, मेहनवानी के हमारे मंडल के हमारे सभी गांव और 20 गांव हमारे जो ये कुंडम ब्लॉक के जो हमारे मेहनवानी हमारे मानिकपुर से आगे के गांव, इस तरह से 321 गांव में 349 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना जो है स्वीकृत होने जा रही है। आज हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं,
नहीं आपने बता दिया, अब आप बता दिया आजादी के यहाँ की जनता जो है ना वो ये चाहती है कि कब उनको पानी मिल जाएगा। अभी आप कह रहे हो मैं वो चीज तो बता रहा हूँ आपको। आजादी के इन 75 सालों के बाद मुझे विश्वास है कि आने वाले 1.5 और 2 साल के अंदर पूरे हमारे मेंदवानी सैपरा ये पूरे हर घर को जो है माननीय हम अटल जी माननीय मोदी जी के माध्यम से जो हम उन्होंने जल जीवन मिशन स्वीकृत जो किया है एक एक घर में जो है टोटी के माध्यम से पानी देने का काम हमारी सरकार करेगी। अब हो गई ना 1.5 साल में आप कह रहे हैं 1.5 साल और इंतजार करना पड़ेगा लोगों को नल जल योजना के लिए 1.5 साल हम इंतजार किए हैं, हम 1.5-2 साल इंतजार और करेंगे हमारी। चलिए 1.5-2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, 69 पंचायतें हैं, कोई 21 गांव में पानी की व्यवस्था नहीं रही होगी या नहीं हो पाई, हमसे गलती हो गई। वो 21 गांव के लिए विधायक जी विपक्ष की भूमिका में थे, कितने विधानसभा क्वेश्चन लगे वो 21 गांव के लिए। हम चलिए हम बाकी के 69 में 90% मान लें अपन 90% हमने अगर काम पूरा कर लिया, वो 10% में क्यों 10% काम क्यों नहीं हुआ पूरा। इसी थी इसमें पानी में हम लोग अधिकारियों के माध्यम से बहुत से गांव में हम लोग बोर कराते थे तो वहां पे होता ये था कि 500-600 में। और दूसरी चीज जो जल जीवन मिशन जो भी चल रही, कई जगह हम लोगों ने चिट्ठी लिखी पर जल जीवन मिशन में ये हालत है कुछ गाँव में कि या तो वोल्टेज की समस्या आ रही है या तो मोटर जल रही है या तो नीचे वाटर लेवल कम हो रहा, तो जैसे छीरपानी खमरिया करनपुरा ईशनपुरा पलकी काफ़ी गांव है कटहरे पेपर जो मेरे नॉलेज में, और मैं लगातार शासन प्रशासन से भी हमारे समय भी हम लोग भी प्रयास कर रहे थे कि और आपको माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में था कि हम आने वाले समय में एक जल के लिए भी कानून बनाएंगे, उसी बेस पे जो हमारे पास अभी अधिकारियों से भी बात हुई तो बोले सर आप लोगों के समय में सर जल योजना था 531 गाँव 850 करोड़ के आसपास का, 2 बार टेंडर लगे थे जो अधिकारियों ने बताया। फिर अभी जल निगम बोर्ड है भोपाल जबलपुर में तो वो फाइल अभी अटकी हुई है, तो अधिकारी भी लगे हुए हैं कि ये आने वाले समय में जब समय रहेगा, क्योंकि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे बहुत से गाँव में पानी का स्तर एकदम नीचे जाते जा रहा है। हम लोग गाँव में अब जाते हैं ग्राम सभा के माध्यम से या सरपंचों को अवगत कराते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में पानी का जलस्तर एकदम नीचे जाते जा रहा है, आप लोग पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, छोटे छोटे लघु तालाब बनाएं कुआं बनाएं जो बारिश का पानी वो स्टोरेज हो। मैं खुद मानता हूँ कि वास्तव में पानी बहुत बड़ी चुनौती है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। CM साहब को भी हम लोगों ने कई बार चिट्ठियां लिखी, जलाशय बनाए जाने की बात कही थी अभी सरकार ने कि सरोवर बनाए जाएंगे, सरोवर तो पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसका मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया था पूरी जिले को लेकर कि पूरी सरोवर बांधें जो बन रही हैं बहुत भ्रष्टाचार की कई आधे अधूरे काम हुए, पानी नहीं रुक रही है, इसमें बड़े लेवल पे अभी अधिकारी भी हटे, इसमें जो RES का ही था उसका भी ट्रांसफर भी हुआ, मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया सारी बार सरोवर डेली कुल मिलाकर यानी पानी के लिए अभी लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इतना बदलाव आया है शेखपुरा विधानसभा को लेकर, आप में से कोई बात करना चाहता हो कि शेखपुरा विधानसभा में कितना बदलाव आया है सर, कहाँ जरूरत महसूस हो रही है? सम्मानी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे हमारे साथी ज्ञानदीप त्रिपाठी जी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस के विधायक है, निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक है, लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी होती है गवर्नमेंट की, और आप सबको मालूम है जनता की लड़ाई तो विधायक को ही लड़ना पड़ती है। विधायक जी लड़ते हैं और लड़ रहे हैं, उसके प्रमाण है मेरे पास, और विधायक कहाँ सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ चूक हो रही है, आप बीजेपी समर्थ सपोर्ट नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी इच्छा शक्ति की कमी है कि विपक्ष की बात नहीं सुनती, ये बात तय है, आप पूछ लीजिए जनता से। क्यों भाई, क्या विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है? ये तो कोई बोलना चाहे शेखपुरा के बारे में हम बोलेंगे। ये तो जो हमारे पूर्व वक्ता ने अभी कहा है कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष की कमजोरी है, लोकतंत्र में विपक्ष भी जरूरी है। अब ये वो अपनी गलती खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है करके। चलिए जनता की आवाज सुनी जा रही है कि नहीं यहाँ पर, आप लोग कुछ बताइए, कोई आम जनता हो पार्टी है? जनता की आवाज सुनी जा रही है, अच्छी तरीके से सुनी जा रही है। क्या सुनवाई हो रही है? यानी तो कह रहे पानी आ नहीं रहा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत डिंडोरी जिले में प्रत्येक गांव में टेंडर निकल चुके हैं, काम चालू है, कम से कम 50% गांव में पानी की समस्या का समाधान हो चुका है। दूसरी बात, इस क्षेत्र में पानी है ही नहीं, इस क्षेत्र का वाटर लेवल बहुत नीचे है।
लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वमान है। विगत 15-20 वर्षों से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता को लूटा है, महंगाई भ्रष्टाचार का बोझ बढ़ाया है। सत्ताधीशों के यहाँ महंगाई इस बार मुद्दा है क्या यहाँ पर? इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं 2000 रोजगार के कितने अवसर हैं, विधायक जी ने क्या प्रयास किया? यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। विधायक जी ने अपने विधायक स्तर से जितना उनसे प्रयास करना था उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आप देखिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पलायन करके बाहर काम करने जाते हैं। देखिए डिंडोरी जिले में आपको बता दें, डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है कि सबसे ज्यादा पलायन यहाँ होता है। हमारे मित्र ने अभी बोला कि हाँ मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत इतने जो इन्होंने आंकड़े बताए दिए गए हैं। आज हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने बोला कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का। ये हमारे क्षेत्र के लिए इतने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसा अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि 21वीं सदी में हमारे यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। 21वीं सदी में डिंडोरी जिले में कोई भी एक फैक्ट्री, 18 साल से भाजपा की सरकार है, एक फैक्ट्री इस जिले के रोजगार देने के लिए लोगों के लिए नहीं खोल पाई। ये भाजपा सरकार का अमृत महोत्सव है कि हम 21वीं सदी महिला उत्पीड़न, महिलाओं में अत्याचार क्यों नहीं मिल पा रहा? बीजेपी से कोई और जवाब, कोई और बता पाए? इसके पहले कितने विधान सभा क्वेश्चन उठे कि अगर नल जल की समस्या है, बिजली की समस्या है, पलायन हो रहा है, इस पलायन को लेकर कितने मुद्दा विधायक जी ने उठाए विधानसभा? कोई पलायन नहीं हो रहा है, जो जा रहे हैं स्वेच्छा से जा रहे हैं, पलायन नहीं, तो रोजगार है यहाँ पर, रोजगार है। जैसे पानी की बात, जैसे अभी पानी की बात हो रही थी, सती नल जल योजना हमारे, यदि स्वेच्छा से जा रहा है यही रोजगार मिलेगा तो कोई क्यों जाएगा? यहाँ रोजगार मिल रहा है क्या? यहाँ पर यदि पलायन की देखा जाए तो पानी ही मुख्य है, क्योंकि जहाँ पर 70-80% लोग कृषक हैं, उन स्वेच्छा से जा रहे हैं। कृषकों का मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए? पानी। जब पानी मिलेगा कृषि करेगा और उनको उन्नति होगी। यदि सरकार कहती है कि दो गुनी आय बढ़ना चाहिए, तो दो गुनी आय कैसे बढ़ेगा? किसानों की आय दो गुना हो गई क्या? आप लोग यहाँ पर, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस मीडिया के माध्यम से, दो गुनी आय उन क्षेत्रों में बढ़ चुकी है जैसे कि बरगांव, करौंदी, जहाँ पे पानी सुविधा से मिल पा रहा है, लेकिन जहाँ पानी है वहाँ विद्युत नहीं है। इस विषय को लेकर किसान संघ ने उठाया आवाज, बेलगड़ा डैम के किनारे 50 पोल लगनी चाहिए, इस विषय को भी उठाया है। साथ में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी मिलनी चाहिए, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं पानी, बिजली नहीं पहुँच पाई अभी तो कई जगह। मैं शिक्षा में अपनी बात रखना चाहता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में और साथ ही डिंडोरी जिले में 2 वर्षों से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, एक। दूसरी बात, ड्रेस नहीं दिए गए, साइकिलें नहीं बांटी गई। मंडल कह रहे हैं कि 2 साल से नहीं आ रही है बात। माननीय हमारे मित्र जो है कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष, हमारे जो 18-20 साल की जो हमारी सरकार है केंद्र में, उसका हिसाब पूछ रहे हैं इनसे। यदि हम 60-65 साल का हिसाब मांगे भाई, जो ये रेलवे की बात की है, रेलवे की बात की है, उन्होंने काम नहीं किया तो सर, लेकिन हम तो बताएंगे ना कि हमने काम किया ना, हमने, हम कर रहे हैं ना, हम करेंगे ना। जब इस देश में माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार बनी, आज गांव की तकदीर और तस्वीर यदि किसी ने बदला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव की तस्वीर बदला, कांग्रेस ने कभी छर्रा मोरम तक नहीं डलवाया था उस रोड में। आज ये रोजगार की बात करते हैं, जो आदमी 60 साल में नहीं दे पाए वो क्या करेंगे? जो सर ने बताया, भूतपूर्व विधायक ने हमारे, कि उनने बिलगड़ा बांध बनवाया, बिलगड़ा बांध तो उनने बनवाया, लेकिन कैनाल की क्या स्थिति है उनसे? एक आखिरी सवाल मेरे को बता दीजिए कि इस बार कॉलेज ले गई है। मैं बता रहा हूँ, मैं इन साथियों से पूछता हूँ कि सहपुरा मॉडल कॉलेज आया था जब यहाँ पर ओम प्रकाश जी धुर्वे मंत्री हुआ करते थे और भाजपा की सरकार राज भी उस समय भी, मॉडल कॉलेज कहाँ गया? मॉडल कॉलेज का जवाब दीजिए आप। मॉडल तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी के द्वारा अपने कार्यकाल में, मतलब भाजपा सरकार के कार्यकाल में किया गया। केवल बिल्डिंग स्वीकृत नहीं हो पाई, केवल रूमर उड़ाया गया कि मॉडल कॉलेज स्वीकृत नहीं हुआ। हमने उस समय उद्घाटन कर दिया, उस समय स्वीकृत। फिर 15 महीने की सरकार रही, 15 महीने की सरकार में इनने कोई बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं की। एक अनुरोध कर रहा हूँ मैं,
कम शब्दों में बिल्कुल पानी के समस्या में कर रहा हूँ कि सरकार ने नल जल योजना के तहत ग्रामों में टंकी बनवाई है। अगर इनके भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार है, मैं चैनल से कहता हूँ, एक भी टंकी अगर साजी हो और ग्राम को मिलता हो, आप अपने चैनल से जाके जानकारी लीजिए, हर टंकी लीकेज है। अमृत सरोवर में छह सरोवर को लेकर मैंने पूछा था, छह निर्माण हो रहे हैं, छह निर्माण इन्हीं के लोग ठेकेदार हैं और छह में व्यापक भ्रष्टाचार है, जांच कर लीजिए। अमृत सरोवर भ्रष्टाचार का मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते हो? और दूसरा, इस बार आप विधानसभा के चुनाव में जाओगे तो क्या बताओगे जनता को? आप बोल दो, इसमें आ जाएगा। हम आपसे बता रहे हैं मॉडर्न कॉलेज की जो बात चल रही है, और हम लोगों ने 48 दिन शेपरा में जब यूथ कांग्रेस में थे 48 दिन आमरण अनशन। अब आप क्या लेकर जाओगे जनता के बीच? जनता के बीच में ऑन रिकॉर्ड आप सड़कों में देख लीजिए, बिल्डिंगें देख लीजिए, पानी में देख लीजिए। मैं कुछ डाटा जल्दी जल्दी में लेके नहीं आ पाया। इनमें भी सरोवर में भी हम लोगों ने विधानसभा क्वेश्चन उठाए, जल जीवन मिशन की भी अभी बड़े स्तर। अब यदि आप चुनाव में जाओगे तो क्या बताओगे जनता को, क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो? के बीच में जाएंगे, मेन है पानी का इशू, क्योंकि जनता के बीच में तो 336 बूथ है, 1600 गांव की लगभग आसपास है। हम ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड की हम वो चिट्ठियां आपको भी दे देंगे कि हम लोगों ने क्या क्या काम करे, वो आप लोगों को दिखेगा। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहली चीज थी कि पानी को लेकर, कि हमारे गांव में भी जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो नर्मदा जी के किनारे किनारे सर्वे करा रहे थे, बिजली करे तो बिजली भी प्राइवेट हाथों में चली गई। तो शहपुरा विधानसभा को लेकर कई तरह के मुद्दे हैं, पारा 42 डिग्री के पार है, लेकिन मौसम यहाँ पर अचानक बदला है। लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव में क्या मौसम बदलता है और यहाँ की जनता कौन से मौसम के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी और कैसे शेरपुरा का विकास होगा, ये विधानसभा के चुनाव में शेरपुरा की जनता फैसला करेगी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर कहता है वोटर के सफर में शेरपुरा से इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।